रामनगर पुलिस ने जब्त की गई अवैध शराब को न्यायालय से अनुमति लेकर डंपिंग यार्ड परिसर में नष्ट किया। चंद्रपुर जिले में विभिन्न थानों के अंतर्गत अवैध शराब की धरपकड़ लगातार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी के मार्गदर्शन में की जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध शराब का जखीरा जब्त किया जा रहा है और बाद में इस जब्त की गई अवैध शराब को नष्ट किया जाता है। इसी के तत्वावधान में रामनगर पुलिस ने लगभग 2,17,00,000 रुपए की जब्त की गई अवैध शराब पर रोड रोलर चलाकर नष्ट किया। यह कार्रवाई न्यायालय की अनुमति के बाद रामनगर पुलिस एवं उत्पादन शुल्क विभाग ने संयुक्त रूप से डंपिंग यार्ड परिसर में की। इस संबंध में चंद्रपुर पुलिस उपविभागीय अधिकारी नांदेडकर ने जानकारी दी। रामनगर पोलीस स्टेशन मध्ये मोठ्या प्रमाणावर जो मुद्देमाल पकडलेला होता तो पेंडिंग होता, माननीय न्यायालयाच्या आणि कलेक्टर साहेबांच्या आदेशानुसार आणि एक्साइज डिपार्टमेंटच्या मदतीने आज इथे डंपिंग ग्राउंड इथे 2,17,00,000 मुद्देमाल आपण नाश करत आहोत। के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधी वैभव गारकर की रिपोर्ट।